संसद के बजट सत्र में 8 फरवरी को लोकसभा में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही यूपीए सरकार की धज्जियां भी उड़ाई। पीएम मोदी ने 2004 से 2014 तक का इतिहास बताया और कांग्रेस सरकार की जमकर क्लास लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। यूपीए के 10 सालों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहता था। हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि किसी अनजान चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन आज के भारत ने विश्व में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब हो या उभरती हुई अर्थव्यवस्था, हर कोई भारत को उम्मीद से देख रहा है। संसद में तो पीएम मोदी विपक्षी दलों पर हावी रहे, लेकिन संसद के बाहर और अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से कोई बड़े सवाल नहीं किए थे, बस इतना ही पूछा था कि पीएम मोदी ने अडानी के साथ कितनी बार यात्रा की है। पीएम मोदी इसका भी जवाब नहीं दे पाए। पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के एक हिस्से को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, जिस पर आग बबूला हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले पर राहुल गांधी की टिप्पणी को कार्रवाई से हटाए जाने के साथ ही लोकसभा में लोकतंत्र का दाह संस्कार कर दिया गया है। ओम शांति। If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.